हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जो है कि अपार्टमेंट मेंटेनेंस के जो चार्जेस है इसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है। काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं, उसका कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए, जिससे ऊपर से सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो से आपको मिल जाएगा। जैसे कि जीएसटी कितना लगता है, उसकी क्या लिमिट है, अगर मेरे पास दो या तीन फ्लैट है तो क्या मुझे जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस है तो फुल अमाउंट पे लगेगा कि आधी अमाउंट या उसके बाद के अमाउंट पे लगेगा। ये सारे सवाल के जवाब हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के लिए पूरी एक सीरीज़ है और मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियो आपके लिए है, आपके पूछे हुए सवालों के ऊपर है और उसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 91% ऑफ द मेरे व्यूअर्स हैं अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप जल्दी से देख पाए। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अपार्टमेंट में जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के एक्ट के हिसाब से जब तक आपका मेंटेनेंस चार्जेस है, वो चार्जेस पर मंथ आपका 7,500 से ज़्यादा जाएगा तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अदरवाइज पर फ्लैट 7,500 सी लिमिट से अगर कम है तो आपको जीएसटी का चार्जेस नहीं लगेगा। सेकंड, उसके साथ अगर आपके पास दो या तीन फ्लैट है तो आपको इस हिसाब से जितना फ्लैट है इसके हिसाब से ही 7,500 से ऊपर जाता है तो ही उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज पर फ्लैट लगेगा। तीसरा एक सवाल है कि सपोज कोई अपार्टमेंट है, उसका मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ सपोज कि 9,000 रुपीज़ है, तो क्या इसमें जीएसटी कितने पर लगेगा? 9,000 - लिमिट 7,500 इज इक्वल टू आपको 1,500 के ऊपर जीएसटी लगेगा या 9,000 के ऊपर लगेगा? तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया था 2019 में कि आपका टोटल जो अमाउंट है 9,000 रुपीज़ मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके ऊपर ही आपको जीएसटी लगेगा और वो 18% लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपके फ्लैट में मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ, आपके फ्लैट अपार्टमेंट में पर फ्लैट मेंटेनेंस कॉस्ट 7,500 से ऊपर है तो 18% आपको जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कितना टैक्स लगता है और कौन कौन शामिल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ जो नॉर्मल रेजिडेंशियल है, जो अगर मैं मीडियम साइज की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, बॉम्बे में कई बड़े बड़े फ्लैट है जिसमें इसमें शायद 7,500 से भी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, डिपेंड्स अपॉन द एमिनिटीज। उसके बाद कुछ सवाल ऐसे थे कि सर, हमारी सोसाइटी में हम मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं लेकिन वो उसका जो रिसिप्ट होता है उसमें जीएसटी नहीं होता है। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल के मीन्स सोसाइटी के लिए भी ऐसा है कि टोटल कलेक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट का टोटल कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा है पर मंथ तो ही आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना होता है। अदरवाइज एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जीएसटी के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 20 लाख से ज़्यादा पर मंथ आपका मेंटेनेंस का कलेक्शन है तो वो भी नॉर्मली आपके जो बड़े फ्लैट होगा या कुछ भी फ्लैट होगा तो अगर 4,000, 3,000, 4,000, 5,000 से होगा तो उससे ज़्यादा, लेकिन बड़ी कॉलोनी होगी और 20 लाख से ज़्यादा होगा, देन एंड देन इसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, होप कि आपको ये सारा टैक्स के रिगार्डिंग अपार्टमेंट फ्लैट कोऑपरेटिव में आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आपके कुछ सवाल हैं तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं आपको को जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपका सवाल का जवाब दे पाऊँ। और दोस्तों, संडे के दिन 5 से 7 के बीच में मैं
30 मिनट्स के लिए लाइव आता हूँ। उसमें भी आपको अगर आपने नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन किया होगा तो मेरा लाइव सेशन का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप लाइव सेशन में भी आप जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं लाइव आपको जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आप जब भी आपको संडे में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है तो 5 से 7 के बीच में शाम को मैं लाइव होता हूँ, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर से वंस अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।